Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो है TGT PGT का जो वैकेंसी आने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला था। आखिर वो दिन आ ही गया। आपका जो है नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट इस महीने के अंत में जो है आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा TGT PGT का नोटिफिकेशन। आज के जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, हालांकि ये पहले से भी कई बार देखा जा चुका है, लेकिन ये बात यहाँ से श्योर हो जाती है कि आपका इस मंथ में जो है ज़रूर TGT PGT की वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। जैसा कि आज का अमर उजाला में है हेडिंग के TGT और PGT के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक, है ना। जैसे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में TGT कला की अर्हता में बदलाव नहीं। इस बार हुआ क्या कि जो TGT कला में था, तो कुछ जो है बदलाव करने के गुंजाइश थी, कुछ चांसेस थे, लेकिन जो है बदलाव नहीं किया जाए, क्योंकि कुछ बदलाव करने से जो है मैटर आपका फिर वही कोर्ट में जाएगा, जिसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, कुछ व्यवधान ना आए। इस वजह से जो है कोई भी नियम जो है नया लागू नहीं करेंगे, जो पहले था वही जो है इस बार भी होने वाला है, ठीक है। जैसा कि है, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। TGT एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अधियाचन में खाली 15,000 के से सत्यापन को पूरा कराया जा चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद भर्ती के लिए पदों का इंतजार था। जैसा कि आपको मालूम है, 2016 के बाद से जो है TGT PGT की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो 4 साल बाद जो है आपकी TGT PGT का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। अब आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिए। जैसा कि हम लोग अब अपने इस चैनल पे जो है TGT PGT मैथ्स, TGT PGT ज्योग्राफी, TGT PGT साइंस, सभी सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, जिससे कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की ओर से GIC के लिए एलटी ग्रेड कला की भर्ती में अलग और अर्हता, चयन बोर्ड की TGT कला की अलग अर्हता होने के कारण सवाल खड़ा किया गया था। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि UP बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग अर्हता कैसे हैं। इन दिनों चयन बोर्ड में चल रहे TGT कला में विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों की उम्मीद थी कि मानक में बदलाव किया जाएगा। अब आयोग की ओर से किसी भी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न से ही होगी। यानी कहने का मतलब ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि अब कोई भी जो है बदलाव होने वाला नहीं है। जो नियम पहले की भर्ती में था 2016 में जो आई थी, वही इस बार भी होने वाला है। तो अब आपको बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेना है और आप अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से शुरू कर दें। तो आज के लिए हम इस न्यूज़ को यहीं पर रोकते हैं, फिर किसी नेक्स्ट न्यूज़ में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।